हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम बनाएंगे भुने हुए चने की बिल्कुल चटपटी और चटखारेदार नमकीन, जिसे आप शाम को चाय के साथ भी खा सकते हैं या हल्की फुल्की भूख लगी है तो उसे भी मिटा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें जो एक्स्ट्रा छिलके हैं इसे हम हटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मसल के और इसे छिलका हटा लिया है और जो छिलके इसमें चिपके हुए थे उसे हम छोड़ देंगे, जिससे नमकीन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब चलते हैं मसाले तैयार करने। तो एक चटनी वाला जार लेंगे और उसमें डाल देंगे 6-7 हरे मिर्चे। मिर्चे थोड़े तीखे होने चाहिए। ये 20-25 लहसुन की कलियां और ये 2-3 चम्मच जीरा। और अब ले लेंगे 2 चम्मच काला नमक। ये मेरे पास टुकड़े वाला नमक है तो इसे मैंने छोटा छोटा टुकड़ा करके डाल दिया। 2 सूखे मिर्च। अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप मिर्च थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। और इसे बिना पानी का ही हमने दरदरा सा पेस्ट बना के तैयार कर लिया है और इसे हम मिला देंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी ना डालें वरना चने खराब हो जाएंगे। और अब मिला देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जिससे कि इसका कलर बहुत ही अच्छा लगता है। और अब थोड़ा सा सादा नमक और ये 3-4 चम्मच सरसों का तेल। और बस अब इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ बिल्कुल सूखे होने चाहिए और इसे हम 2 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। अगर धूप नहीं है तो इसे ब्लोअर के आगे भी आप सुखा सकते हैं। और ये बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है। तो इसमें मैं चाट मसाला मिलाना भूल गई थी, तो इसमें ऊपर से मिला देंगे चाट मसाला और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों तैयार है हमारा भुने हुए चने का बिल्कुल चटपटा और चटखारेदार नमकीन। एक बार आप इसे ज़रूर बनाइए तो बार बार इसे बनाने का मन करेगा और इसे आप जब भी मन करे नमकीन के जगह खा सकते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप इसे एक बार बना के और इसे स्टोर करके रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।